पूरा देश इस वक्त कोरोना से खौफजदा है। इस बीमारी के आने के साथ ही पूरी दुनिया इसका इलाज का इंतजार कर रही थी। पूरे देश की तरह अमेठी में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कोविड-19 का दंश झेलते हुए अमेठी वालों के लिए आखिरकार राहत भरा दिन आ ही गया। आज से अमेठी जिले में कोरोना का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। अमेठी वालों के लिए पूरे जिले में कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अमेठी जनपद में कुल 15 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 निजी अस्पताल और 1 फार्मेसी कॉलेज को शामिल किया गया है। अमेठी जिले को फिलहाल 9,760 वैक्सीन के डोज मिले हैं। इतना ही नहीं, जिले के लोगों के लिए 1,352 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेटर के तौर पर ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है, जो लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। जानकारी के मुताबिक 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें जिला अस्पताल गौरीगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी, बाजार शुक्ल और जगदीशपुर से टीकाकरण का शुभारम्भ किया गया है। हर सेंटर पर एक दिन में 100-100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस तरह से पूरे जनपद में आज 400 लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। अमेठी जिले में सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने टीका लगवाकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। टीकाकरण आप स्थल पर खड़े हैं, ये हमारे अमेठी का जिला अस्पताल है, जहां पर देख रहे हैं बिल्कुल एक उत्सव की तरह तैयारी हो रही है। सभी कर्मचारियों में एक अदम्य उत्साह है कि टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है और इस कोविड जैसी महामारी से निजात पाने की तरफ हम लोग जो है कदम आगे बढ़ा चुके हैं और ये निश्चित रूप से एक ऐसा साहसी कदम है जिससे कि हमारा पूरी गतिविधियां हमारी प्रभावित हुई थी। हमने लॉकडाउन का दंश ढेला, इसके बाद जो है हमारे व्यापार प्रभावित हुआ सब, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि से हम लोग धीरे धीरे हर समस्या से निजात पाते गए और उन्हीं की दूरदृष्टि की वजह से आज हम स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करके टीकाकरण की स्थिति में आ गए हैं और हमारी तैयारियां पूरी तरह से हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद हमारे सत्र पर टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर आशुतोष दुबे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टीकाकरण को लेकर सभी जगह पर जबरदस्त तैयारी की गई है, लेकिन इसी बीच अमेठी जिले में कई तरह की अफवाहें भी फैली हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। उन्हें डर है अगर वो टीका लगवा लेंगे तो वो नपुंसक हो सकते हैं या फिर उनकी मौत हो सकती है। आज अमेठी जिला में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत स्वयं CMO ने वैक्सीन लगवा कर की है। हालांकि वैक्सीन को लेकर एक भ्रम भी लोगों में फैला हुआ है और सरकार वैक्सीन लगाने के लिए करबद्ध है। कोशिश इसकी कितनी सकारात्मक रहती है, कितनी सफल रहती है, ये देखने वाली बात होती है। खैर, जो भी हो, वैक्सीनेशन शाम 5 बजे तक चलेगा। अगर किसी अमेठी वासी को टीका लगवाना है तो वो जिला अस्पताल गौरीगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी, जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर लगवा सकता है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।